अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बाद में हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जहाँ पे भी रहे इस प्यारी से दुआ के साथ करते हैं। रेसिपी का आगाज, करेले किस किस को पसंद तो आ जाए और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। हमने बनाए चने की दाल चिकन करेले, किस तरह से बनाए जाते हैं, सारी कड़वाहट भी दूर हो गई, बनाना स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपके साथ करेले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बड़ी यूनिक सी हो जाने वाली है और बहुत मजेदार से बनेंगे। चिकन, दाल और करेले सब चीजें मिक्स करके बनाएंगे, सारे कॉम्बिनेशन के साथ। किस तरह के करेले बनाए जाएंगे आप चलिए हमारे साथ देखिए वीडियो को। सबसे पहले मैंने करेले ले लिए थे, आधा किलो करेले हैं, एक किलो है। अब इसको हमने क्या करना है, ऊपर से बिल्कुल नहीं छीलना, इसकी हमने स्किन ऐसी ही रखनी है और अंदर से सिर्फ इसके हमने सीड्स निकालना। करेलों की कटिंग करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने भी करेलों को वॉश नहीं करना, आधे आधे इंच के हमने पीसेस इस तरह कट करने, और करेलों को किस टाइम पे वॉश करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। आप सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके करेले बनाएं, बड़े मजेदार बनेंगे करेले। आप करेलों को काट लेने के बाद अब इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून भर के नमक डाल देना है और इसे मिक्स कर लेना अच्छे से नमक को आपस में, और इसको धूप पे हमने कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। इतनी देर में हम इस करेलों का मसाला तैयार कर लेंगे। करेलों को रखे हुए 1 घंटा पूरा हो गया और इसको मैंने अच्छे से पानी से अब वॉश कर लिया। पानी से वॉश कर लेने के बाद करेले हमारे कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो गए। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो आगे चल के आपको बता। अब चूल्हे पे पॉट रख लिया, इसके अंदर 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब ये करेले डाल के हमने करेलों को फ्राई करना है। फ्राई करने से थोड़ी सी करेलों की कड़वाहट भी खत्म हो जाएगी और थोड़ा सा क्रिस्पी से करेले हो जाएंगे हमारे। करेले फ्राई हो गए, इससे ज्यादा हमने करेलों को फ्राई नहीं करना वरना ये एकदम से जल जाएंगे और मजीद कड़वे हो जाएंगे। अब इसको हमने निकाल लेना है एक प्लेट में। उसी तेल में हमने 4 बड़े साइज की प्याज ली थी, उसे बारीक बारीक सा काट लिया था, वो इसके अंदर डाल देंगे। प्याज इसके अंदर थोड़ा सा मिठास का भी काम करेगी करेलों में। ये देखिए 4 बड़े साइज के प्याज लिए थे और ये देखें कितने फ्राई होने के बाद कितने कम हो गए। अब जब आप देखें प्याज का कलर इस तरह करके लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया, तो इस टाइम पे हमने उसको ओवर कुक नहीं करना। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के। इसके साथ साथ बोनलेस चिकन लिया था मैंने 400 ग्राम, छोटे छोटे पीस करे हुए थे। आप चाहे तो विद बोन्स भी ले सकते हैं, लेकिन आप बोनलेस चिकन लेंगे तो उससे ज्यादा मजा आएगा खाने में। अब इसको हमने अच्छे से चिकन को भून लेना है। जब आप देखें चिकन का कलर चेंज हो गया, तो इस टाइम पे हमने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च डाल देनी है 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून। इसके साथ साथ हम धनिया पाउडर डाल देंगे 2 टेबल स्पून। 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर का डाल देंगे। और इसके साथ साथ मैंने एक बड़े से साइज का टमाटर लिया था, वो डाल देंगे। 4-5 हरी मिर्चें डाल देंगे। टमाटर डाल देने के बाद मैंने इसको 1 सेकंड के लिए लिड लगा के रख दिया था कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। जब आप देखिए टमाटर आपके इस तरह करके सॉफ्ट हो गए, तो आंच को आपने तेज कर लेना और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। ये देखिए मसाला हमारा जबरदस्त सा भुन चुका है और ऐसी शानदार से खुशबू आ रही है। आप देखिए टमाटर बिल्कुल इसके अंदर घुल गए। अब इस टाइम पे क्या करेंगे, हम जो करेले हमने फ्राई करे हुए थे ये सारे के साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके साथ साथ चने की दाल मैंने 1 कप ली थी, उसे भी भिगो के अच्छे से उबाल लिया था।
ये भी सारी की सारी इसके अंदर डाल देंगे। उबली हुई चने की दाल हमने डालनी है। टाइम पे हमने क्या करना होगा, बिल्कुल आंच को दम वाली कर लेना है, बिल्कुल हल्की, और 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर हमने डाल देनी कलौंजी के। अगर आपको कलौंजी ज्यादा नहीं पसंद तो थोड़ी कम डाल सकते हैं, लेकिन डालिएगा जरूर, सारा मजा करेले का इस कलौंजी से ही आता है। अब इसे हमने दम लगा के रख देना है 5 मिनट के लिए, फिर हम आपसे मिलते हैं। चले जनाब, माशाल्लाह से 5 से 10 मिनट हो गए, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने रख दिया था। ये देखिए क्या जबरदस्ती हमारे करेलों की लुक आ गई है। अब इसके ऊपर हमने डाल देना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे हम करते हैं गर्मा गर्म सर्व। तो मजेदार से हमारे करेले तैयार हो चुके हैं चिकन और चने की दाल के साथ। आपको जरूर ये रेसिपी पसंद आएगी। आए तो आपने क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करें। फ्री में एंजॉय करने के लिए इजाजत चाहूंगी। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।